दोस्तों जिस घर में शादी हो या जिस लड़के या लड़की की शादी हो उस घर में एक उत्सव का जो माहौल होता है आप सबको पता है, एकदम हंसी खुशी का माहौल होता है। और इन सब के बीच जो शादी की रस्में होती है ना, मतलब एक से बढ़कर एक जो रस्में होती है वो जरूर निभाई जाती है। और उन्हीं रस्मों में से एक रस्म होती है यानी उपटन लगाने की। उपटन यानी कि एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको दूल्हा या दुल्हन को जरूर लगाया जाता है जिससे कि उसका रंग निखर कर आ जाए, यानी शादी वाले दिन तक उसको ऐसा निखार दिया जाता है कि भैया शादी करनी है तो पहले ये उपटन लगवाओ और उसके बाद अपनी घोड़ी पर चढ़ जाओ। तो आज मैं एक ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ जहाँ पे दूल्हे को उपटन लगाया जाएगा और इस उपटन को पता क्या कहते हैं, पीठी। बेसिकली इस उपटन को राजस्थान में पीठी कहते हैं और इसके अंदर बहुत सारी सामग्रियां मिली हुई है। तो सामग्रियों के बारे में तो हम जो महिलाएं पीठी तैयार कर रही है इनसे ही जान लेंगे। तो पीठी दूल्हे के साथ साथ या दुल्हन के साथ साथ उनके जो भाई बहन है, जितने भी भाई बहन है या अन्य रिश्तेदार है घर में या महिलाएं हैं, वो भी आपस में पीठी लगाती है और जो नहीं लगवाते ना उनको पकड़ के जबरदस्ती पीठी लगा दी जाती है। तो इस तरह एक बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है। और साथ ही साथ महिलाएं यहाँ पे लोकगीत भी गाती हैं। जो देखिए राजस्थान में तो जो लोकगीत है पीठी के वो गाएंगी और अन्य राज्यों में जितने भी प्रकार के उनके लोकगीत है वो गाए जाते हैं। पीठी लगभग हर स्टेट में दूल्हा या दुल्हन को जरूर लगाई जाती है, चाहे उनके नाम वैसक अलग अलग हो सकते हों, जिसमें महिलाएं नाचती भी है गाती भी है, इसके अलावा लोकगीत भी गाए जाते हैं। तो आज मैं ये सब आपको दिखाने वाला हूँ कि पीठी महिलाएं किस तरह तैयार कर रही है और यहाँ पे पीठी तैयार भी की जा रही है। और हम इससे ये भी जानेंगे कि आखिर ये पीठी में क्या क्या मिलाया है इन्होंने और पीठी क्यों तैयार की जाती है और पीठी कैसे लगाएंगे दूल्हे को या घर में जिसकी भी शादी है उसको। देखिए आज के इस बदलते दौर में यानी इस आधुनिक युग में एक से एक साधन है, एक से एक ब्यूटी पार्लर है और आजकल तो दूल्हा दुल्हन ब्यूटी पार्लरों में जाके सजते धजते हैं। एक से एक जो सिंथेटिक क्रीम पाउडर है वो लगाते हैं अपनी त्वचा को निखारने के लिए। पर क्या उन सिंथेटिक पाउडरों से या उन क्रीमों से या जितने भी प्रकार के वो लोशन वगैरह होते हैं उनसे क्या आपकी त्वचा वाकई में निखर के आती है? देखिए मेरा तो ये मानना है जो पारंपरिक चीज़ें होती है ना, जो हमारी आयुर्वेद के अनुसार त्वचा को निखारने के उपटन होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो उसी उपटनों में से एक उपटन होता है पीठी, जिसे पीठी कहा जाता है। और पीठी के अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी सामग्री मिलाई जाती है जो बिल्कुल नेचुरल होती है और जिससे आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और एकदम त्वचा निखर के आ जाती है। यानी शादी आने तक या जिस दिन शादी होनी है उस दिन तक दूल्हा या दुल्हन को एकदम ऐसा गोरा चिट्ठा बना देते हैं उस पीठी से यानी उस उपटन से। तो पीठी लगाने का रंगाने कार्यक्रम आज मैं आया हुआ हूँ इसके अंदर। मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं लाइव जियो चैनल। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, पीठी जरूर लगाते हैं कि भैया बिना पीठी लगाए तो घोड़ी पर बिठाएंगे ही नहीं, चाहे तो कुछ भी कर ले तो पीठी तो जरूर लगाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और पीठी लगाते हुए बिल्कुल लाइव देखते हैं।
गाओ गीत आते हैं ना आपको बढ़िया बढ़िया। हाँ काम आओगा नी मम्मी सिया मरो चोले साबिकी खोल दे।
डायलॉग बाद में हो गया, अभी बोला नहीं जाएगा मुझसे, डायलॉग बाद में ऐड करूंगा। ये दूल्हे के लिए पीटी तैयार की जाएगी। बोलते वो यही बता देगी, है ना, तेरा इंटरव्यू ले लूँ, है ना। तो आप देख सकते हैं कि पारंपरिक राजस्थान की शादियों में पीठी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और पीठी क्या होती है और दूल्हे की क्यों लगाई जाती है, आज इसके बारे में हम मालूम कर लेते हैं। और मैं शादी में आया हुआ हूँ और यहाँ पे पीठी तैयार की जा रही है, तो एक बार हम जान लेते हैं कि पीठी आखिर होती क्या है, क्यों तैयार की जाती है और क्यों दूल्हे को लगाई जाती है। तो ये सुनीता है, अरे गीता आगे पीछे, हाँ तो ये पता है सुनीता, इसका नाम सुनीता है, मेरी बुआ की लड़की है ये, और तू बीच में आ गई। तो तू ये बता कि ये क्या चीज़ है जो तू बना रही है, पीठी है और क्या? अच्छा अच्छा, उपटन बोलते हैं उसको, पर इससे फायदा क्या है दूल्हे को? निखार आता था। अच्छा, निखार लाने के लिए। अगर दूल्हा ही काला हो तो मतलब उसको गोरा करने के लिए। कुल मिला के हम कह सकते हैं भाई दूल्हे का रंग निखारने के लिए, है ना, तो बिना ब्यूटी पार्लर जाए हम हल्दी से उसको काले को भी गोरा बना सकते हैं। तो ये तो उपटन बहुत अच्छा है। तो ये खाली दूल्हे के लगाया जाएगा या दूल्हे के जो साथी है या सभी के लगाया जाएगा? तो सभी में कौन कौन है, औरतें भी लगाएगी, मतलब औरतों के भी लगाओगे आदमियों की? अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि
दूल्हे को गोरा चिट्टा कर गए फिर बारात को रवाना करोगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह उपटन तैयार किया जाता है और दूल्हे को लगाया जाएगा, तो वो लगाने की वीडियो भी हम लाइव देखेंगे। तो फिलहाल उपटन तैयार हो रहा है और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि उपटन जो ये पीठी है इसमें क्या क्या सामग्री मिलाई जाती है? ये वो होते हैं ना, जो जो गेहूं के हाँ, गेहूं के होते हैं ना, हाँ, और हल्दी भी मिलाते हैं इसमें। हल्दी और तेल मिलाते हैं। तेल कौन सा? सरसों का। अच्छा अच्छा, तो इस तरह इतनी सामग्री मिला के ये पीठी तैयार की जाती है और उसको इस तरह मिलाया जाता है बहुत देर तक, उसके बाद ये उपटन तैयार होता है और उसके बाद दूल्हे को निखारने के लिए लगा दिया जाता है ताकि दूल्हा हमारा सुंदर दिखे, गोरा दिखे, गोरा चिट्ठा दिखे और हंसते कूदते खेलते नाचते गाते हम अपनी बारात को लड़की वाले के द्वार पर ले जाएँ और हमारा भव्य स्वागत हो। भाई हमारा दूल्हा अगर ज़्यादा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, तो वैसे ही स्वागत अच्छा हो जाएगा। और गीत तो गाओ, गीत ¡Gracias!
आप देख सकते हैं कि हमारे दूल्हे को उत्तन या पीठी लगाई जा रही है और तैयार किया जा रहा है ताकि वो गोरा चिट्टा हो जाए और तेल चढ़ाना और उतारना। छोटे पर भी थोड़ी किया तो लटक यू मरोड़ने दोनों अड़िया शिक्षा छोटा छोटा आने उतारते हैं चढ़ाते हैं। ये परंपरा है हमारे भारत की जो पारंपरिक शादी है उनकी और आज भी परंपराओं का शादी ये नंबर गया तो मेरा आपको भी आ जाओगे नंबर नहीं नहीं तेल चढ़ा बहुत अर बाबू भाई लेडी था तो चली गई तेज भी नहीं करना कैमरा गेट जा घूम तारे अड़ी में ये बोली की गेल दे बोली जो बोल दे बोली दे बागर जो बागर लगा
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने यार दोस्तों में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.